हिमाचल भाजपा के सदस्यता अभियान के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बैठक की। साल 2017 में जीते और हारे प्रत्याशियों के अलावा संगठन से जुड़े कुछ प्रमुख लोग भी बैठक में मौजूद रहे। हिमाचल भाजपा के सदस्यता अभियान के बीच सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में बैठक की। साल 2017 में जीते और हारे प्रत्याशियों के अलावा संगठन से जुड़े कुछ प्रमुख लोग भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, शिमला के पीटर हॉफ होटल में ये बैठक हुई। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में प्रदेश भाजपा ने तय किया कि वर्तमान संख्या के 50% नए सदस्यों को बीजेपी से जोड़ा जाएगा। हालांकि केंद्र से भाजपा को 20% नए सदस्य जोड़ने का टारगेट दिया गया है। इसके अलावा 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर भी मंथन हुआ। पार्टी में नेताओं में अपने उपजे मतभेद पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बड़े मतभेद नहीं हैं, काम करते हुए छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन सब लोग पार्टी और सरकार को सहयोग दे रहे हैं। सभी नेता बैठकों में आ रहे हैं। हालांकि बैठक में पालमपुर से प्रत्याशी रही इंदु गोस्वामी मौजूद नहीं रही, जबकि ज्वालामुखी से विधायक रमेश ध्वाला ने शिरकत की। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती, पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, वहीं संगठन मंत्री पवन राणा और भाजपा सदस्यता अभियान के प्रमुख राम सिंह भी मौजूद रहे। 20% की इंक्रीज की है उसमें, जिसमें मेंबरशिप 20% इंक्रीज, लेकिन हमने कोशिश की है, पार्टी की ओर से आग्रह आया है कि इसको 50% इंक्रीज करने की कोशिश। मुझे लगता है कि मतभेद इतने ज़्यादा नहीं जितने वो दिखाए जा रहे हैं। मतभेद काम करते करते छोटे मोटे होते हैं, लेकिन सब ठीक है, सब लोगों से बातचीत चली गई है, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग बैठकों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना सहयोग संगठन को दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं।